हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ फिर से करेले की एक ऐसी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं और डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होते हैं। ये बाकी करेले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा कड़वे होते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, ये बंद करेला है जो देखने में बहुत छोटे साइज़ के होते हैं और इनका जो साइज़ होता है बहुत ही ज़्यादा छोटा होता है और ये बनने के बाद भी काफ़ी कड़वे लगते हैं, लेकिन इनका स्वाद बहुत ही अच्छा लगता है। हम इन्हें किस तरीके से बनाएं जो इनका कड़वापन है कुछ हद तक कम हो जाए, तो चलिए जल्दी से रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 250 ग्राम करेले लिए हैं और इन करेले की जो एंड पार्ट है और जो फर्स्ट पार्ट है सेम कट कर देते हैं और इन्हें आपको इस प्रकार छीलने की ज़रूरत नहीं है। अब इन्हें हम अपने अकॉर्डिंग कट कर लेते हैं। आप चाहे तो इन्हें राउंड में भी कट कर सकते हैं या फिर इसे लंबा लंबा आप इस प्रकार कट कर सकते हैं। और जो इनके जो बीज है इन्हें हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक करेले में से हम 4 पीसेस कट कर लेते हैं इस तरीके से। तो ये देखिए, इसके जो सीड्स हैं वो थोड़े रेड हैं, इन्हें हम निकाल देते हैं। और फ्रेंड, इन करेलों को आपको बहुत ही देखकर काटने पड़ते हैं क्योंकि इनमें जो कीड़े होते हैं बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और थोड़ा ही पक गया तो उसमें कीड़े आ जाते हैं, इसलिए इसे आप अच्छे से चेक करके कट कर लीजिए। इन करेलों को हमें सिर्फ 2 घंटे नमक लगा कर रखना है। 2 घंटे में काफ़ी अच्छा इनका कड़वापन निकल जाता है। मैं जब भी ये करेले बनाती तो इन करेले को ओवरनाइट के लिए नमक लगा कर रख देती हूँ, तो उससे क्या होता है जो कड़वापन होता है वो बहुत ज़्यादा ही हट जाता है इसका। जब आपके पास टाइम नहीं है तो आप इसे सिर्फ 2 घंटे नमक लगा कर इसे आप रख सकते हैं। जब ये सारे करेले अच्छे से कट हो जाएं, बाउल में ये सारे करेले को डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं 1 टीस्पून नमक। अब इन्हें हम टॉस कर देते हैं ऊपर नीचे ताकि जो नमक है वो हर एक करेले में लग जाए। करेले में नमक डाल देने के बाद इसे हम रख देते हैं ओवरनाइट के लिए। यहाँ पर हमने एक लिया है दूसरा बाउल और यहाँ पर हमने लिए चने की दाल। इससे जो करेले हैं उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है और जो कड़वे करेले हैं उनका कड़वापन भी थोड़ा कम हो जाता है। इसलिए अगर अभी तक आपने चने की दाल के साथ करेले नहीं बनाए हैं तो एक बार आप इसे ट्राई करके देखिए। इसे डाल देते हैं बाउल में। इसमें हम डाल देते हैं पानी। दाल को भी कवर कर देते हैं ओवरनाइट के लिए। जितना देर हमने करेले को रखा है इतना ही देर हमें चने की दाल को भी कवर करके रखना है। तो मिलते हैं हम आपसे मॉर्निंग में। ओवरनाइट दाल को भिगोने के बाद दाल को हम चेक कर लेते हैं। देखिए, काफ़ी अच्छे से दाल फूल चुकी है। अगर आप जब करेले बनाते उस समय इसे भिगोने रखते तो दाल अच्छे से फूल नहीं पाती। काफ़ी अच्छी दाल फूल चुकी है। अब इधर हम करेलों को भी चेक कर लेते हैं। ये देखिए, रात भर हमने इसमें नमक लगा कर रखा था, इसमें काफ़ी जो कड़वा पानी है वो निकल चुका है। करेले भी थोड़े अच्छे से नरम हो गए हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं 1 गिलास पानी। करेले को अच्छे से साफ कर लेते हैं ताकि जो इसमें और भी कड़वापन होगा वो पूरा पानी में आ जाएगा। और इसे अच्छे से निचोड़ कर प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए, सारे करेले को हमने एक प्लेट में निकाल लिया है। जब तक हम करेले की सब्जी के लिए ग्रेवी तैयार कर रहे हैं तब तक इसे हम पंखे की हवा में रख देते हैं ताकि इसमें जो हल्का हल्का सा पानी है वो सूख जाए। यहाँ पर हम ग्रेवी के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर हमने लिए लहसुन की कुछ कलियाँ जिसे हमने छिलकर रख लिया है और प्याज, 3 मीडियम साइज़ की प्याज लिए क्योंकि जो करेले की सब्जी में प्याज काफ़ी अच्छी लगती है। और 1 कच्ची कैरी, अभी मार्केट में कच्ची कैरी काफ़ी आ रही है तो आप यहाँ पर कच्ची कैरी ले सकते हैं। कच्ची कैरी अगर नहीं है तो आप यहाँ पर आमचूर भी ले सकते हैं। 2 हरी मिर्च फ्लेवर के लिए। इन सारे वेजिटेबल्स को हम कट कर लेते हैं। इधर गैस को ऑन करके हमने रख दी एक कढ़ाई। यहाँ पर फ्रेंड्स, हमने आयरन की कढ़ाई ली है क्योंकि कुछ सब्जियाँ होती है वो लोहे की कढ़ाई में काफ़ी अच्छी लगती हैं। अब इसमें हम डाल देते हैं सरसों का तेल। तेल अभी हमें ज़्यादा नहीं डालना, बस करेलों को फ्राई करना है इतना ही डालना है। ऐसे ही तेल हल्का सा गर्म होने लगे, यानी कि हल्का सा इसमें धुआं उठने लगे, जो करेले हैं उन्हें हम डाल देते हैं तेल में। अब इन करेलों को हम पलटते हुए लो मीडियम फ्लेम पर इन्हें फ्राई कर लेते हैं गोल्डन ब्राउन होने तक। इन्हें हमें कवर नहीं करना है, बस इसी प्रकार से पलटते हुए करेलों को हम फ्राई कर लेते हैं। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में। अब हम सेम कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल और डाल देते हैं। पहले भी हमने थोड़ा ऑयल डाला था। तेल गर्म हो इसमें हम डाल देंगे सौंफ, जो हमने वेजिटेबल्स कट करके रखे थे, प्याज, लहसुन और हरी मिर्च। कच्ची कैरी हमने अभी इसमें ग्राइंड नहीं करी है। फ्रेंड्स, ये जो करेले की सब्ज़ी हम बना रहे हैं इसे पूरी सब्जी को हमें लो मीडियम फ्लेम पर ही पकाना है, हाई फ्लेम नहीं करना है। यहाँ पर हमें प्याज को ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है और जैसे ही प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे कुछ बेसिक मसाले। इसमें डाल देंगे हम 1 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच पूरा भर कर लिया है धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर पूरा चम्मच भर कर लिया है, 1/2 छोटा चम्मच गरम मसाला, 1/2 छोटा चम्मच लिया है कश्मीरी लाल मिर्च, ये सिर्फ कलर के लिए ली है। मसाले प्याज के साथ अच्छे से भुन जाएँ
इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि जो मसाले हैं वो जले ना आपस में। इसमें हम डालेंगे चने की दाल जो हमने भिगो कर रखी थी। जब दाल मसाले में अच्छे से मिक्स हो जाए तब इसमें हम डाल देंगे एक छोटा चम्मच नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं कम या ज़्यादा। एक गिलास के लगभग हमने यहाँ पर पानी दिया है क्योंकि दाल को पकाने के लिए पानी बहुत ज़रूरी है और इस दाल को हम इसी पानी में पकने देंगे। ये देखिए पानी में उबाल आने लगा है। अब इसी स्टेज पे हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे ताकि जो दाल है वो अच्छे से पक जाए, कच्ची ना रहे। अब इसे हम कवर कर देते हैं और बीच बीच में चेक करते रहेंगे। जब दाल पक जाएगी तब आगे की प्रोसेस करेंगे। ये देखिए दाल भी काफ़ी अच्छे से पक गई है और थोड़ी बहुत रह जाएगी तो वो करेले के साथ पक जाएगी। गैस के फ्लेम को हमने लो रखा हुआ था और बीच बीच में दाल को हमने इस प्रकार चला लिया था ऊपर नीचे करते हुए। लगभग दाल को पकते हुए 7 से 10 मिनट हो गए हैं। जब इसकी ग्रेवी हल्की हल्की सी पतली हो, ज़्यादा गाढ़ी ना होने पाए, तो उस स्टेज पे हम डाल देंगे करेले। अगर आपने दाल की जो ग्रेवी है वो गाढ़ी हो जाए तब आप करेले डालेंगे तो करेले आपके वो कच्चे रह जाएंगे, पक नहीं पाएंगे। 2 मिनट के लिए फिर से कवर कर देते हैं। 2 मिनट हो गए हैं, इधर हम चेक कर लेते हैं सब्जी को। अब इसमें हम डाल देते हैं कच्ची कैरी। आप चाहें तो इसे चॉपर से चॉप भी कर सकते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में कट भी कर सकते हैं या फिर आप इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। डाल देते हैं कच्ची कैरी। डाल लेने के बाद इन्हें हम पका लेते हैं जब तक कि जो करेले हैं थोड़े अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। अब इसे हमें कवर नहीं करना है, सब्जी को खुला ही पकाना है। करेले हैं वो भी अच्छे से पक गए हैं। फ्रेंड्स, इस रेसिपी को आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए क्योंकि चने की दाल और करेले की सब्ज़ी काफ़ी अच्छी लगती है। फ्रेंड्स, अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। जो लोग मेरे चैनल में नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी ही नई नई वीडियोज़ देखने के लिए आप मुझे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट्स में लिख के बताइए आज मेरी जो करेले और चने की दाल की रेसिपी आपको कैसी लगी। लेकिन जब तक आप इसे ट्राई नहीं करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा जो सब्ज़ी है वो कितनी टेस्टी है और इसमें जो ऑयल की मात्रा है वो भी काफ़ी कम है। सब्ज़ी डायबिटीज़ वालों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसे आप ज़रूर बनाकर खाइए। आप कोई भी सब्ज़ी जब लोहे की कढ़ाई में यानी कि आयरन की कढ़ाई में बनाते हैं तो उस सब्ज़ी को तुरंत किसी दूसरे बर्तन में कर लीजिए, नहीं तो जो सब्ज़ी है वो काली पड़ जाती है। तो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।